अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं अपने किचन में भिंडी की रेसिपी दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ली है और उसको इस तरह अच्छी तरह वॉश करके धो लिया था और कटिंग करी इस तरह से मैंने। और एक प्याज ली है मैंने बड़े साइज़ की, तो इस तरह कटिंग करी। और हरी मिर्चें ली हैं 3, जो उसको मैंने बीच में से कट कर लिया था। और टमाटर लिए हैं मैंने तकरीबन 4 अदर, जिसको मैंने मशीन में चॉप कर दिया था टमाटरों को। और 1 शिमला मिर्च ली है मैंने, उसको इस तरह काट लिया है। ड्राई मसालों में मैंने साबुत मिर्ची ली है 3 अदर, जिसको मैंने बीच में से तोड़ ली थी इस तरह से। 1 चमचा नमक लिया है, 1 चमचा भर के मैंने ज़ीरा लिया है, और 1/2 चमचा कुटी हुई मिर्ची ली है, 1/2 चमची पीसी हुई, और 1/2 चमची हल्दी ली है मैंने, और 1/2 से भी कम पिसा हुआ धनिया लिया है ये मैंने, और भुना कूटा धनिया लिया है मैंने, भुना हुआ कूट के ये धनिया लिया है मैंने। मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल तकरीबन इसमें मैंने डाला है 1/2 प्याली के करीब ऑयल डाला है। और मैं इसको प्याजों को फ्राई कर लूँगी। बहुत मज़े की बनती है भिंडियाँ ये। प्याजों को हम ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट करेंगे। सही, देखिए हल्की सी प्याज नरम पड़ी है, तो अब मैं इसमें साबुत मिर्ची डालूंगी। और ये हरी मिर्ची भी डाल दूंगी, थोड़ा सा ये जीरा डाल देंगे। अब इसको प्याज को थोड़ी सी और हम फ्राई करेंगे, और मिर्चों को भी फ्राई करेंगे, जीरा फ्राई होगा। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ड्राई मसाले डालूंगी, मसालों को हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये अच्छी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूंगी मैं मसालों की। तो देखिए मसाला अच्छी तरह भून चुका है, अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को डाल के अब इसमें हम भिंडियाँ डालेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत शानदार और जायके वाली भिंडी की भुजिया बनती है। तो ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। बस मैंने भिंडियाँ डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भुना है भिंडियों को मसाले के अंदर अच्छी तरह से। और इसमें जो लेस कन होता है वो भूनने से निकल जाता है। अच्छी तरह मैंने 3 मिनट तक इसको फ्राई करी भिंडियों को मसाले में। ये देखो, तो अच्छी तरह से हमने इसको भुनाई करी थी। और अब मैं इसमें तकरीबन 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के छोड़ दूँगी, दम पे लगा दूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखो मैंने 3 टेबल स्पून पानी डाला है इसमें। अब हम इसको चलो आग पे जलने के लिए छोड़ देंगे। अब ये तैयार हो चुकी है भिंडी, दम पे आ चुकी है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, बहुत मज़े की बहुत जायकेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। इसी के साथ भी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा व्यूअर्स, देखिए हरी मिर्ची मंगवाई थी तो ज़्यादा आई है हरी मिर्ची, तो मैं इसको सेव कर रही हूँ। मैं आपको सेव करने का तरीका बता रही हूँ। इसको हरी मिर्चों के मैंने डंडल निकाल लिए थे ऊपर से,
और इसको अच्छी तरह वॉश करके पहले मैंने इस टिश्यू में रख दिया था, टिश्यू इसको ट्रे में बिछा दी थी तकरीबन तो 1 घंटे के लिए इसमें रख दिया था, सुखा लिया था। देखिए नीचे सारा पानी जब सो गया है टिश्यू में, और अब मैंने एक एक करके इसको इस टिश्यू के नीचे रखा है, और इसलिए टावल से, किचन टावल से मैं इसको सुखा रही हूँ, थोड़ा सा साफ करके इस तरह से मैं बिल्कुल ये खुशक हो गई है, बिल्कुल ड्राई हो गई है। और अब इस तरह से ये एयर टाइट थैली है, इसमें मैं सेव कर लूँगी, तकरीबन मेरा ये 15 से 20 दिन तक इसमें सेफ रहती हैं। इस तरह से मैं इसमें रख लूँगी। ये देखिए ये इस तरह से गर्म हो जाती है, सेफ हो गई बिल्कुल। इस तरह से देखिए बिल्कुल ये आपके 15 से 20 दिन तक हरी मिर्चें बिल्कुल सेफ रहेंगी, बिल्कुल पैक हो जाता है इस तरह से। ये देखो बिल्कुल इसका मुँह ही बंद है, बहुत अच्छी है ये थैली। और इसमें मैं हर चीज़ सेव कर लेती हूँ, सब्ज़ी भी काट के रख लेती हूँ, सेफ रहती है सब्ज़ी। जैसे बनाने में इमरजेंसी में कोई चीज़ चाइनीज चीज़ें बनानी हो तो काट के इसमें सेव कर लेती हूँ, ख़राब नहीं होती। तकरीबन सब्ज़ी सिर्फ 1 हफ्ते चलती है, हरी मिर्च ये 15 से 20 दिन तक चल जाती हैं। ये मैंने 3 पॉच तैयार किए हरी मिर्चों के, इस तरह से ये इस तरह सेव करती हूँ हरी मिर्चों को।